नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। बदनावर पुलिस थाने पर गुरुवार नगर की शांति समिति की बैठक एसडीएम वीरेंद्र कटारे की अध्यक्षता में तहसीलदार अजमेर सिंह गोड़ व टीआई सीबी सिंह की मौजूदगी में हुई, जिसमें अफसरों ने शांति समिति के सदस्यों से आम जनता को समझाइश देकर कोविड का पालन करने में सहयोग देने का अनुरोध किया। एसडीएम ने बताया कि इस महामारी के कठिन दौर से हम बाहर निकल आए हैं, किंतु आज भी अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है और समाज को इस संकट काल से उभारने के लिए हम सभी नागरिकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस संक्रमण से आगामी दिनों में भी बचाव करने हुए जनजीवन को पहले की तरह पटरी पर लाना है और इसी प्रयास के दौरान पहले चरण में कोरोना कर्फ्यू को खोला गया है, किंतु भीड़ भाड़ का खतरा देखते हुए अभी दोनों बस स्टैंड एवं बड़ी चौपाटी क्षेत्र में छूट नहीं दी है, लेकिन जल्दी स्थिति देखकर इन क्षेत्रों को भी अनलॉक किया जाएगा। टीआईएम तहसीलदार ने भी कहा कि आपकी यह महती जिम्मेदारी है। इस बीच हमें बच्चों की भी चिंता करना है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित कर सकती है। बैठक में अंत में शांति समिति के वरिष्ठ सदस्य पत्रकार राजेंद्र धोका के असामयिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कड़ोतकला से आदित्य राज धाकड़ की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।